काटने के बीच में मसला शहीद वीर नारायण सिंह का भी आ चला है। जी जी जी, ये वीर नारायण सिंह जी के जिन है स्मारक लेख के भी जिन है समाज के लोगन बड़ा जिन है नाराज गए। देखो भैया, बात आप तो खुद जानकार हो एकर कि आज से 2021 में हमने 1 तारीख से पद यात्रा चालू कर रहे हैं 10 तारीख तक जयस्तंभ चौक में शहीद वीर नारायण जी के भव्य प्रतिमा लगाए जयस्तंभ चौक और शहादत स्थल पर। सरकार है इन बात ला मानिस भी है और वही ओकर जन्म स्थल सोना खान के भूया से घोषणा कर रही इसे कि जयस्तंभ चौक में 9 अगस्त को भव्य मूर्ति लगाबो। लेकिन 9 अगस्त बीत गए, 9 अगस्त के बीत गए बाद वहाँ कोई मूर्ति नहीं है ना भूमि पूजन नहीं है। आज वहाँ के जो कर अधिकारी और कर्मचारी मन से जब हम मिलतन पूछतन तो मन बात लग टाल देते, बोलते कि वहाँ पे जो जयस्तंभ चौक में जो पेट्रोल पंप है वहाँ पे बाथरूम है सुलभ शौचालय ओकर किनारे में जयस्तंभ मतलब हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी शहीद वीर नारायण जी के प्रतिमा वहाँ लगाबो। ये कितना शर्म बात है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्र सेनानी के प्रतिमा लय मन है बाथरूम के बाजू में लगाओ बोलते सुलभ शौचालय बात तो मतलब शर्म आना चाहिए। और मैं तो साफ साफ आप मन के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि सरकार के पास अगर फंड नहीं है या अगर बनाया मंशा नहीं होगा बता दो, आने वाला 10 तारीख को 10 दिसंबर 2022 को पूरा समाज अब फिर भव्य रैली में पूरे 1.5-2 लाख की भीड़ में आवो, वहाँ पे भूमि पूजन करवो और हम चंदा लेके पर एक एक आदमी से 1-1 रुपये लेके वहाँ पे भव्य हमार जो पुरखा है हमारा आदिवासी भगवा है ओकर मूर्ति वहाँ लगाबो। सरकार करना चाहे तो करे, नहीं करना चाहे तो नहीं करे, हमारा आखिरी निवेदन है और चेतावनी है। जैन सोना खान के सपूत हमारे छत्तीसगढ़ मातारी के सपूत जिला जय स्तंभ रायपुर में वो फांसी टांगे एरिए से वो जय स्तंभ चौक के पास ही बहुत सुंदर ढंग से उधर जगह है ऐसे आदम कद प्रतिमा वो जय स्तंभ चौक में लगाए जाए थे कर मैं घोषणा कराता हूं। जब विश्व आदिवासी दिवस मनाबो हम